हे एवरीवन, डेली ब्लॉगिंग सीरीज डे 193। तो इस लड़की ने पूरी मिठाई फैला दी, पता नहीं कहाँ गायब होगी पूरी। मुझे इसमें काजू तो कहीं दिखी नहीं रहे, पान पान दिख रहा है। अब भर रही है, देखिए अब भर भर के रख रही है। इधर देखियो चिड़िया सी, क्यों फैलाई आपने मिठाई। सो आज हमारे यहाँ बाशो खाने वाली माता का पूजन हुआ था, तो यहाँ हमारे चावल बने थे मीठे। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू नीलम सारांश डेली ब्लॉग्स। और अभी का सीन ये है कि देखो, सारांश पीछे सो रहे हैं और लियाना भी पीछे सो रही है, और मैं यहाँ उठ गई। मैं भी थोड़ा सा सोई थी। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ अपने हाईलाइट, जो कि देखो हाईलाइट का क्या ही हाल हो रखा है। मतलब कलर इतना जम जम के भर गया है ना इनके अंदर, हाईलाइट का कलर चेंज। झाड़ू ले ले यार, ये पूरे पत्ते झाड़ छोड़ के रख दे। मेरे पास आ गया यहाँ नानू, और मैंने लगाया ये सिल्वर वाला नेल पेंट। और ये क्या, कौन सा कलर है नानू? पर्पल। हाँ, पर्पल लाइट पर्पल, जो कि इसमें नानू बता रहा है कि मैच कर रहा है मेरे सूट में, कुर्ते में। और नानू झाड़ू देखो कितना सारा कलर फैलाया था हम लोगों ने। ये तो कुछ भी नहीं है, और वो नीचे का व्लॉग तुमने देखा ही होगा, बहुत भयंकर वाला फैलाया। मतलब कि रोहित पे भी फैलाया था, पर पता नहीं वो कहाँ गया। कौन, किसी ने पता नहीं, मतलब क्या किसी ने जादू करके उड़ा दिया होगा क्या उस कलर को। लियाना शारन जब अंदर सो रहे हैं, हम लोग बाहर आ गए क्योंकि अंदर बात नहीं कर सकते अंदर। और यार लाइट होनी है, छत का तो बहुत बुरा हाल हो रहा है। आप सोच रहे होंगे मैं इन मतलब गमले जो लेके रख लेते हैं उन्हें पेड़ क्यों नहीं लगा रही हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ, मैं पेड़ इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ना अब यहाँ सब लोग यही सलाह दे रहे हैं मुझे कि अगर इनमें पेड़ अभी लगाओगी तो ये चलेंगे। तो है नहीं पेड़ एक दिन भी, और सारे पेड़ सूख जाएंगे, मतलब पैसे भी वेस्ट जाएंगे, मेहनत भी वेस्ट जाएगी। तो मैं सोच रही हूँ कि इनमें ना पेड़ अभी बारिश का टाइम आ जाएगा या उसके बाद देखेंगे, मतलब उससे पहले ही, मतलब अभी एक दो महीने जो गर्मी के मैन गर्मी के ना वो निकल जाए उसके बाद देखेंगे। ऊपर की एसी के यहाँ दो पंखे चलते हैं, तो और आफत और भी ज़्यादा इनको प्रॉब्लम आएगी, अपन केयर इतनी कर नहीं पाएंगे। सोच रही हूँ तभी लेके आऊँगी, तो इसलिए मैंने अभी पेड़ों का ना अपने दिमाग से निकाल दिया है। इतने सुंदर सुंदर ये गुलाब लगे रहते हैं ना रोज, इतने प्यारे लगते हैं, बट मैं क्या ही करूँ यार, मैं यहाँ से तोड़ भी नहीं सकती, वरना मैं इनको तोड़ भी लूँ। सो गाइज, नानू दो दिन से कोट सेट पहन के घूम रहा है, और इधर क्या देख रहा है, इधर देख लेना ये कौन सा एक्शन मारा तुम्हें ऐसे। तू बहुत महान आदमी हो यार भाई, नानू एकदम से इतरा जाता है, एकदम स्मार्ट सा बनने लगता है, बट वो है नहीं। सो यहाँ नानू की थोड़ी बहुत बुराई करने के बाद मैं आ गई थी नीचे, और नीचे यहाँ दाल मतलब पीसी हुई रखी हुई थी, और सारी चीज़ें इसमें डली हुई थी, और इसमें डलनी थी ये मटर, और यहाँ ग्रीन चटनी भी पीसी हुई थी, और बनने वाले हैं शाम को मंगोड़ी। और यहाँ बन गई थी सब्जी हमारी, पतली सूखी सब्जी भी बन गई थी हमारी, आलू गोभी की और पतली आलू मटर की सब्जी बन गई थी। और यहाँ टाइम हो रखा था 6:30 शाम की, और जुगाड़ देखो हमारी लेजम इसी की कैसे टांगी हुई है, उसकी शाम को सही हो जाए। दही और इसको मैं खाती हूँ, इसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। गर्मी गर्मी मर जाएगी, ये लड़की ऊधम कर रही है, ऊधम कर रही है ये लड़की। जाना देखना उधर क्या है। सो गाइस, हमें यहाँ बुआ जी का इंतज़ार करते करते 8:30 हो गए हैं, 6:30 बजे से हम बुआ जी का इंतज़ार कर रहे हैं, आ रही हैं अभी पंप पर हैं वो। गाइस मैं ना आपको एक बात दिखाती हूँ, लियाना ने ना ये पूरा वॉल पेपर ही निकाल दिया इस वॉल से, अब इस वॉल पेपर का कुछ नहीं हो सकता। ये है कि दूसरा मेरा आज ना ये नेल्स भी टूट गया, देखो इसमें इतना ब्लीडिंग होने लगी थी ना मुझे, अभी भी थोड़ी सी हो रही है। इतना बड़ा सबसे बड़ा नेल्स था मेरा, इतना बड़ा हो गया था, ये पूरा टूट गया, ये बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा इसको कटी कर देती हूँ। अब कितना गंदा लग रहा है ना, बड़े नेल्स कितने अच्छे लगते हैं यार, मैंने प्यार से नेल पेंट लगाई थी इतनी प्यारी। नमस्ते बुआ जी। लाइट नहीं है, लाइट कब तक आएगी? बहुत दिन बाद भग गई, वो तो भग गई, भग गई, भग गई। जी कैसे पीछे छुप गई थी पता है? मेरे जेठ जी आए हुए हैं, और क्या कहना, वो छुप रही है। गौरव गौतम जी,
सो गाइस पहले मैं इसको ना चम्मच से डाल रही थी, चम्मच से क्या मज़े नहीं आते डालने में, क्योंकि हाथ में कुछ नहीं आ रहा था तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि मैं मंगोड़ी बना रही हूँ। तो फिर मैंने चम्मच रखी साइड में और फिर मैंने हाथ से इनको बनाना स्टार्ट किया। पहले मैं हाथ से चम्मच से करती थी, लेकिन मैंने आज हाथ से किया तो मुझे इतना अच्छा लगा था ना, मतलब ऐसे कर करके जो लेडीज़ बनाती थी आज मुझे बड़े मज़े आए थे। और मैं अभी आगे बनाऊंगी तो हाथ से बनाऊंगी यार, मतलब मेरा पुआ बनाने का भी मन कर रहा था साथ में, लेकिन यार मैं क्या ही करती। सो गाइस यहाँ हमारी कढ़ैया का हैंडल भी टूट गया था, लेकिन कोई ना, हमने अपनी कढ़ैया फेंकी नहीं और इसी में बनाई, क्योंकि ये बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। इसमें मंगोड़े मतलब इस सीखने वाली चीज़ें बहुत ही अच्छे से काम आती है, तो इसमें हम ये मंगोड़े बना रहे हैं अपने। और ना बाबा मुझसे कह रहे थे कि मतलब लाइट का काम सीखोगी, तो मतलब वो फनी में कह रहे थे, तो यहाँ बुआ जी पूछ रही थी क्या कह रहे थे बाबा, तो मैं उनको बता रही थी कि वो कह रहे थे मुझसे कि लाइट का काम सीख लो, तो फूफा जी ऐसे रिएक्ट करते हैं लाइट का काम, तो मैंने कहा फूफा जी को लगा कि सीरियसली कह रहे थे। मुझे ले लो, मैं नहीं ले रही आपको। क्या कर रही है चुड़ैल लड़की, चुड़ैल ले आना, चुड़ैल ले आना, चुड़ैल लड़की है, मेरी गंदी सी मौजी है, गंदी सी गाइस लड़की मुझे ले रही है, पर क्या करूं मैं। मैं लोटा की भी लगाया था, मैं लगाया है, मैं दिखाऊंगा क्या मम्मी तो दिखाई देंगे डॉक्टर में, पता नहीं क्या हो गया, मेरी कमर में दर्द है, वन वन मम्मी हो रानू बॉस क्या खा रहे हो? इधर लगता है, इधर इसमें इसमें लगा, बताइए कितनी चंट हुई, कितनी चंट हुई बाबा, आप मेरी बेइज्जती करने पे क्या बैठे रहते हो? ये सारी रोटियां गई मैया को दिया, और ले आना हो बाहर तो ले आना, को भी ले जाना नानू। मम्मी करने गई थी बाहर, क्यों गई थी? गैया को खाना खिलाने जा रही है, जाओ नानू खिलाओ, चल गैया दोनों चल रहे हैं, जाओ जाओ, लाइट नहीं है, ज्यादा कर मारे इधर, जाओ जाओ भैया के साथ खिलाया, जल्दी जा नानू, अरे दोनों खिलाइए मारे के तेरे को, आज ले आना, ले आना ले, मैं नहीं पकड़ रही नानू, मोड़ी को मारे ही गई, तू डाल दे नानू, तू अंदर जा, ओ एक ही आ गई इधर, एक ही जी आ गई इधर नानू, एक इधर भी है भूखी, एक ही आ गई, एक ही आ गई, एक ही आ गई।
और शाम को यहाँ पेड़े और कुछ नूडल्स वगैरह लेके आए हुए थे। और यहाँ नानू नहीं था, नानू ने जैसे ये मतलब कि ये क्लिप देखी थी ना, नानू तो पागल हो गया था कि भाई मेरे बिना ये सब चीज़ें खा ली। बट मैं तो इन्जॉय कर रही थी, मैं नानू को सोचा भी नहीं था इस टाइम। हाँ